किसानों से जुड़ी खबर, क्योंकि 4 जनवरी को सरकार के साथ किसानों की एक और दौर की बातचीत होनी है। आंदोलन के 38 दिन हो गए हैं, कई दौर की बातचीत, कुल मिलाकर अभी तक 7 दौर की बातचीत हुई है, लेकिन 4 में से 2 ही मुद्दों पर अभी सहमति बन पाई है। किसानों ने अपनी बैठक के बाद सरकार को अल्टीमेटम ये दे दिया है कि अगर अगली बातचीत पर कोई समाधान नहीं निकलता है तो फिर आंदोलन और तेज होगा। इस बीच किसानों ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी को पूरे देश में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और साथ ही साथ देश में जागृति अभियान भी चलाया जाएगा। 38वें दिन भी नए कृषि कानून पर पूरी तरह से उसको रद्द करने को लेकर किसान अड़े हुए हैं। हमने तय किया है कि 26 जनवरी इस बार का जो गणतंत्र दिवस है, पूरे देश में किसान अपनी अगुवाई के तले उस गणतंत्र दिवस को अपने ट्रैक्टर और व्हीकल परेड करके उसको मनाएंगे। 26 जनवरी को हमारा काल है कि दिल्ली के इर्द गिर्द जितने भी नजदीक के सिटीज हैं वो आए, 25 तक यहाँ पहुंचे और 26 को दिल्ली में हमारे ट्रैक्टर फ्लैग्स लगा के दिल्ली में परेड करेंगे। जो केएमपी की परेड है, रिहर्सल परेड है, ऐसी और भी परेड अलग अलग जगह होगी, लेकिन फाइनल परेड 26 को दिल्ली में होगी। और पूरे देश में काल है, पूरे देश में जिस प्रांत में कम ट्रैक्टर हैं वहां ट्रैक्टर के साथ व्हीकल मार्च। तो अब ये उत्तर भारत की बात नहीं रही है, हैदराबाद में बहुत बड़ी रैली हो चुकी है, तमिलनाडु में बहुत बड़ी गैदरिंग हो चुकी है, वहां से ये आंदोलन चल रहा है, कर्नाटका में हमारे इस आंदोलन के समर्थन में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन अब केवल भारत का नहीं रहा, अब तो ये आंदोलन भारत से बाहर जाकर पूरे हिंदुस्तान की इस आंदोलन के सपोर्ट में वर्ल्ड खड़ा नजर आ रहा है। बाहर के लोग यहां तक कि हमारी माननीय यूएनओ ने भी हमारी सरकार को फिटकार लगवा दी है।